शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, क्योंकि आलापुर में जिस असेंबली से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ पे ना तो अभी एक हॉस्टल की व्यवस्था है अच्छी खासी, ना तो कोई शिक्षा के नाम पर कोई स्कूल की व्यवस्था है, ना तो सुरक्षा के नाम पर कोई ऐसी व्यवस्था है, ना तो रास्ते का तो हाल देखिए कि 3-3 फुट के तो स्विमिंग पूल बना रखा है वहाँ के बीजेपी के विधायक हैं माननीय इंदिरा कमल जी ने। तो अब वहाँ पे नौजवान जो है प्रतिनिधित्व करना चाहता है, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, 2.5-3 साल से हम लोग संघर्ष में हैं। अब वहाँ हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं, वहाँ कम से कम अगर मैं रहूँगा तो मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक पैरामेडिकल कॉलेज और एक जो है सुपर स्पेशलिस्ट जो है हॉस्टल की व्यवस्था, और जो है नौजवानों के लिए वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नौजवान क्रिकेट ऐसा कोई काम कर सके या कोई सभा कर सके। एक स्टेडियम जो जो है प्रदेश स्तर का स्टेडियम हो वहाँ बनवाने का काम किया जाए, और सबसे जो मूलभूत अधिकार जनता किया है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा रोटी कपड़ा मकान सारे चीज़ों पर काम करेंगे। और जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है, लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए धरने आंदोलन कर रहे हैं। अगर वहाँ से मैं विधायक बनता हूँ, जनता मुझे सपोर्ट करती है, और तो वहाँ से मैं सुरक्षा के लिए जो महिलाओं कभी जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जुर्म हो रहा है कोई ऐसा नहीं है जो हमारे बहनों के ऊपर आग दिखा देगा। किस पार्टी के प्रत्याशी से आपका मुकाबला है? देखिए हमारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं, हम तो जीत रहे हैं और लगभग हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। जी जी, भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो योजनाएं चल रही है उसके किस प्रकार आप बताऊँ मैं आपको, जो भारतीय जनता पार्टी की योजना, एक योजना गड्ढा मुक्त भारत देख लीजिए, और आलापुर में आप डगडगुआ से लेकर चले जाइए क्या नाम है कमालिया तक चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3-3, 4-4 फुट के रास्ते मिलेंगे, तो क्या नाम गड्ढे मिलेंगे और उसमें पानी भरा मिलेगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे अभी एक रामनगर में जो है डगडगुआ जाने वाला एक रास्ता, वहाँ पे तो पानी बरस जाता है तो फिर वो क्या नाम है स्विमिंग पूल बन जाता है, पंपिंग सेट लगा के रास्ते से जो पानी निकालना पड़ता है। तो बीजेपी की तो पोल ऑलरेडी खुल रही है, बीजेपी ने कितना काम किया आलापुर में और कितना वहाँ के विधायक ने किया है, और शिक्षा के नाम पे क्या किया वहाँ पे, सुरक्षा के नाम पे क्या किया। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है आलापुर में, तो आलापुर के विधायक और पूर्व विधायक उन्होंने मिलकर उस बेटी का क्या नाम न्याय नहीं दिलाते हैं, और जो दरिंदे हैं तो होते हैं उनको क्या नाम उनका सपोर्ट करते हैं, और जब भीम आर्मी या समाज पार्टी के नौजवान साथी वहाँ पे धरना देते हैं तो उनको जेल भिजवाने का काम ये लोग करते हैं। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग समाज की सुरक्षा ना कर समाज को लूटने का काम करते हैं।